दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों, कई दिनों से 4-5 दिन पीछे अगर जाएं तो उसमें खबर लगातार चल रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। मैंने निश्चित तौर पर लगातार बताया था आप लोगों को, इस स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पिछले 2-3 दिन से मैंने भी वीडियो बनाया और बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक पकड़ और राजनीतिक जो कि झुकाव किधर है, किस तरफ जा सकते हैं, और वही सत्य हुआ जो मैंने कहा था। वही चीजें बिल्कुल अस्पष्ट तौर पर आ गई। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहीं जाएंगे जहां पर जो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से जो सीधा टकरा रहा है राजनीतिक रूप से, मजबूती के साथ, संगठन के साथ, पीडीए के साथ, और आखिरकार वही हुआ। बहन मायावती जी की पार्टी मतलब बसपा सुप्रीमो, बहन मायावती जी बीएसपी की तरफ जाने की लगातार सोशल मीडिया से लेकर, तो ठीक है ये चर्चाएं चलती है, ये सब चर्चाएं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे चैनल, आज तक जैसे चैनल ने खबर चला दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की बातें जो है कि कर दी। और लगातार मैंने बताया कि लखनऊ से लेकर संपर्क सूत्रों के अनुसार, लगातार करीबियों से जो भी सूत्र के अनुसार मैंने अस्पष्टता जानकारी निकाली और मैंने वीडियो बना डाला 2-3 स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर, और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुजन समाज की एक आवाज है, तो वह भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ रहा है मुख्य रूप से मजबूती के साथ डट कर सामना कर रहा है, उसका नाम है अखिलेश यादव, और समाजवादी पार्टी में ही एंट्री मारेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले दिनों में। और बात मेरी लगभग 95% सत्य हो ही गई है। अब मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ चुका है, आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबरें चली है ये, जो कि आपने देख लिया होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब के जो कि विचारधारा को ताक पर रखकर चल रही है, कहने का मतलब है विचारधारा से भटक गई है, और इस समय स्वार्थ की राजनीति बहुजन समाज पार्टी कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहने वाले लोग गलत नहीं होंगे। इस तरह का बयान निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी में जाने की सारी अटकलों को तोड़ दिए। अब आपको मैं स्पष्ट करता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, आपको स्पष्ट कर दूं, वहां पर जाते ही राजनीति खत्म हो जाएगी। अब आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी में लगातार बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने निकाला नहीं था, स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद निकल गए थे, उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी चाल थी। देखो मैं कोई भी न्यूज ऐसे ही नहीं बताता हूं, धीरे धीरे चीजों को पूरा पकड़कर और जो जो घटनाक्रम हुआ सब बता देता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को और पल्लवी पटेल को अगर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने पर विवश कोई किया तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से गठबंधन की बात समाजवादी पार्टी पर ज्यादा सीटों का दबाव डाल रही थी, तो लगातार कांग्रेस जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और कुछ जो नेता थे जो कि उन लोग समाजवादी पार्टी के जो करीबी नेता थे, जो मजबूत नेता थे, उनके ऊपर डोरे डालने लगी कि हम बसपा से गठबंधन कर लेंगे, आप हमारे साथ आ जाइए, पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए, पहले दूरी बना लीजिए, फिर अचानक हम बसपा से गठबंधन करके खेल कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उलझाकर और सबको इधर से उधर कर दिया निश्चित तौर पर, और सब कुछ जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए, पल्लवी पटेल जी अलग हो गई, तो तमाम वो चीजें हैं ये जिसके जितना इसके अंदर जाएंगे बहुत सारे प्यादे निकल कर आएंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अखिलेश यादव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में थोड़ा मेरा मतभेद हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं उन्होंने बताया, और यह कहा कि बस ये है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी एक तरफ समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती है और दूसरी तरफ जो कि पूजा पाठ पर भी ध्यान देती, बस इतना ही उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन बहन जी को लेकर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया। तो इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव बरकरार है, और मैंने पहले ही बताया कि कई दिनों से लगातार जो चर्चाएं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सब पार्टी छोड़ी तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने अखिलेश जी के कहने पर गए थे समझाने के लिए, हालांकि कांग्रेस ने उस समय बरगला ले गई थी निश्चित तौर पर झूठ बोलकर, लेकिन ये सब चीज़ें अब सामने धीरे धीरे परत दर परत आ रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य से अभी भी संपर्क समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी से, और आपको बता
बता दूं कि जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो नरेश उत्तम पटेल जी से बरकरार है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री धमाकेदार होगी आने वाले समय में। तो ये मैंने पहले बताया था और मेरी चीज़ें जो बताई हुई बातें निश्चित तौर पर बिना सूत्र का बिना पुख्ता जानकारी का मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, अस्पष्टता न्यूज देता हूँ बिल्कुल सटीक और सत्य की पराकाष्ठा को ध्यान में रखते हुए। तो आखिरकार यही चीज़ें हुई और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा को बी टीम बता दिया और माननीय कांशीराम साहब के रास्ते से भटकी हुई पार्टी बता दिया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे खंडन हो चुका है भारतीय जनता समाजवादी पार्टी में, सॉरी जो कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे और भाजपा में जाने का कोई सवाल नहीं उठता, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।